हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। पिछला जो महीना गया, खासकर जब से इलेक्शन के रिजल्ट भारत में आए हैं, तब से लेकर अब तक लगभग 6 से 7 ऐसे बड़े टेरर अटैक सेना और सिविलियंस के ऊपर हुए हैं, और सारे जो अटैक हुए हैं वो लगभग जम्मू के इलाके में हुए हैं। अक्सर जम्मू में शांति बनी रहती है, ज़्यादातर जो अटैक हैं वो कश्मीर के इलाके में देखे जाते हैं, क्योंकि वहाँ से जो है वो पाकिस्तानी टेररिस्ट इंटर करते हैं, तो वहीं से ज़्यादातर आपकी जो है सब चीज़ें देखी जाती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप कहें कि लगभग 1 महीने से सारी चीज़ें शिफ्ट हो गई हैं जम्मू कश्मीर के। तो आज की वीडियो में हम इस देखेंगे कि आखिर टेररिस्ट अब जम्मू को टारगेट क्यों कर रहे हैं, क्या ये किसी प्लानिंग के तहत किया जा रहा है या फिर ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है। क्योंकि हर समय ऐसा कोई महीना नहीं है जिस समय सेना कोई एनकाउंटर ना करे या सेना के साथ कोई मुठभेड़ ना हो, लेकिन अब जो तरीके हैं वो बदल गए। पीछे आपको वो तस्वीर दिख रही होगी, ये तस्वीर वैष्णो देवी जा रही एक बस के ऊपर टेरर अटैक था, जिसमें ड्राइवर को गोली लगी और उसकी वजह से बस खाई में गिर गई और लगभग 10 लोगों की मौत इसमें हो गई। ऐसा बहुत कम होता है कि टेररिस्ट जो है वो सिविलियंस के ऊपर अटैक करें, खासकर ऐसी यात्रा उसके ऊपर धमकियां देते हैं, लेकिन अटैक कभी, कई बार अटैक आपने सुना होगा कि धमकी दे रहे हैं लेकिन अटैक होता नहीं है। इस तरीके के अटैकों को तब अंजाम दिया जाता है जब वो जिस उद्देश्य के साथ आए हैं, उनको जो टारगेट दिया गया है कि आप जाइए और सेना के किसी काफिले को पकड़िए, सेना के किसी हेडक्वार्टर को पकड़िए, सेना के किसी चौकी को पकड़िए, जम्मू कश्मीर पुलिस को टारगेट कीजिए। जब वो वहाँ असफल हो जाते हैं, पूरे हताश हो जाते हैं, तो फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो सिविलियंस के ऊपर अपनी भड़ास निकालें, क्योंकि इनके पास तो बचने के लिए कुछ वेपन्स है नहीं। तो ये जो घटना थी, इस घटना के पहले भी और बाद भी, आप दोनों घटनाओं को अगर देखेंगे तो सबसे पहले 3 जून को जो है पुलगांव में अटैक हुआ था, ठीक है, और पुलगांव के अटैक में 2 टेररिस्ट मारे गए थे, लेकिन हालांकि सेना को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ था। उसके बाद फिर आपका 9 जून को जो है वो रिसी में अटैक हुआ था, और यहाँ 9 सिविलियंस की जो डेथ हुई थी, ये वही जो बस वाला इंसिडेंट हुआ था आपका, ये टोटल वही था, ठीक है। यहाँ एक लोग की गिरफ्तारी भी जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो NIA है, NIA ने की थी। उसके अलावा फिर 11 तारीख को एक अटैक हुआ, 11 तारीख को जो अटैक है ये टेम्पररी बेस्ड जो सेना का था उस पर अटैक हुआ। यहाँ भी कोई सेना की तरफ से कोई इंजरी या फिर कोई शहादत की खबर नहीं थी, तो एक अच्छी चीज़। तो उसके बाद देखिए डोडा में जो है वो एक अटैक हुआ, यहाँ भी स्पेशल ऑपरेशन के जवान शहीद हुए, और 19 तारीख को बारामूला में अटैक हुआ, 2 सिक्योरिटी पर्सन इंजर्ड हुए, 2 जो है वो टेररिस्ट मारे गए। तो सारे चीज़ों को आप देखिए, कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रहे हैं कि सेना के जो चौकियां हैं या सेना के जो कैंप हैं उनको टारगेट किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जरों को मारा जा सके। अक्सर टेररिस्ट यही करते हैं, ठीक है। तो ये कोई ऐसे वो नहीं है कि जहाँ सेना इनको काउंटर करने के लिए पकड़ सूचना मिली और सेना वहाँ पहुंची गई या छपे हुए हैं, ये उल्टा आके सेना के जो कैंप हैं या पुलिस के जो कैंप हैं उन पर अटैक कर रहे हैं, ठीक है। और 8 जुलाई को कठुआ का अटैक जो हुआ था, उसमें आपको पता होगा कि सेना का एक जो ट्रक है वो जा रहा था और उस पर अटैक कर दिया गया, और एक GCO समेत सेना के 5 जो जवान थे वो टोटल उसमें शहीद हुए। तो एक बड़ा अटैक जिसमें ये सक्सेस हुए, लेकिन सिमिलरिटी सब में वो वही चाहते हैं कि किस तरीके से। और ये सारे अटैक आप देखिए, ये कल का न्यूज है कि उधमपुर में भी सेम यही चीज ट्राई की गई थी। हर अटैक में प्रयास किया जा रहा है कि सीधा सीधा जाके आप सेना के जवान या पुलिस के जवानों से लड़िए, ठीक है। जबकि कई ऑपरेशन सेना मैक्सिमम ऑपरेशन ऐसे करती है कि सेना के कैंप पर हमला नहीं, बल्कि सेना को सूचना मिलती है और सेना इनकी घेराबंदी करती है। अब ये उल्टा हो रहा है, ये सीधा आके पहले लड़ने के लिए तैयार हैं कि हाँ। और ये सारी चीजें, उधमपुर का ये रिपोर्ट है, उधमपुर के जम्मू कश्मीर पुलिस चौकी पर अटैक किया गया। हालांकि इस अटैक में कोई नुकसान जम्मू कश्मीर को नहीं हुआ, लेकिन 3 टेररिस्टों को मार गिराने में जो है उनकी स्पेशल फोर्स जो सक्सेस रही। इसके अलावा आप देखिए जितने भी ये अटैक हो रहे हैं अभी इस समय वर्तमान में, तो ये लगभग आप जम्मू कश्मीर का ये मैप है तो देखिए, उधमपुर एरा, कठुआ एरा, डोडा एरा, ठीक है, रिसी एरा, तो पूरा जम्मू का इलाका है, ठीक है। अब जम्मू के इलाके को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? देखिए दो चीजें जम्मू कश्मीर में अक्सर है कि एक तो तस्वीर आपको ये दिखाई दे रही होगी कि पत्थरबाजी की जो तस्वीर है, ये कश्मीर के इलाकों में ज्यादा होती है, कश्मीर के इलाकों में ही मान लीजिए आप मैक्सिमम, जहाँ आतंकवादियों के गढ़ हैं, बॉर्डर इलाके हैं, उनमें आसानी से होती है उनको बचाने के लिए। कभी कभी सेना के साथ भी मुठभेड़ इन लोगों की हो जाती है।
तो ये तस्वीरें आम हैं कश्मीर के लिए, लेकिन पिछले कई सालों से, कुछ दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कई साल हो गए, खासकर जब से 370 को रिमूव किया है वहां से, उसके बाद इन तस्वीरों का आना शुरू हो गया। इन तस्वीरों का ना आना इसका मतलब ये है कि वहां की जो आम पब्लिक है वो तो फिलहाल इस मूड में नहीं है कि उस तरीके की घटना करके किसी टेररिस्टों को सपोर्ट करे और अपने लिए मुसीबत खड़ी करे। कहीं ना कहीं उनका माइंड किसी दूसरी तरफ डाइवर्ट हुआ है। तो एक रीजन तो ये प्रमुख होता है क्योंकि बड़ा सपोर्ट होता है, मोटिवेशन का ही काम करता है टेररिस्टों के लिए। आतंकवादी जो है इनसे मनोबल उनका बढ़ता है कि इतना सपोर्ट में हमारी जनता आई। ठीक है, दूसरी एक तस्वीर ये देखिए कि बड़े दिनों से जम्मू कश्मीर के अंदर किसी तरीके का कोई चुनाव नहीं कंडक्ट हुआ था, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए। जम्मू रीजन की आप बात करें तो 72% के आसपास वोटिंग रही। ठीक है, 50 से लेके 60%, 65% कुछ इलाकों में जो है वो कश्मीर में वोटिंग रही। तो कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों ने जो लगा था कि 370 हट गया है, अब विरोध और बढ़ गया है, आंतरिक विरोध बहुत ज्यादा है, ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस लगा रखी है, उसकी वजह से कंट्रोल है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में हिमालयन एरिया है, रास्ते टफ होते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती है, उसके बावजूद भी लोग अगर 65 से 70% वोट करने जा रहे हैं तो ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप देखिए यूपी बिहार में भी वोटिंग परसेंटेज 64-65 रहता है, एक दो डिस्ट्रिक्ट क्रॉस कर जाता है, जबकि यूपी बिहार तो प्लेन एरिया है, सब कुछ है, संसाधन यहाँ अच्छे हैं। उसके बावजूद भी अगर जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके की वोटिंग होती है तो ये वोटिंग भी एक डायरेक्ट मैसेज है टेररिस्टों के लिए कि भाई आप लोगों के साथ हम लोग नहीं। तो ये एक प्रमुख रीजन है कि अब इन लोगों को हड़बड़ाहट हो रही है और इसी हड़बड़ाहट के कारण जो है ये लोग टारगेट कर रहे हैं। अब इन्होंने जम्मू को क्यों चुना? देखिए 370 के बाद वहाँ एक तो सिक्योरिटी फोर्सेज की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और फिर सबकी निगाहें वहीं रहती हैं, इसलिए वहाँ सेना के काफिलों पर अटैक करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है कंपैरेटिवली जम्मू। हालांकि अब तो जम्मू में भी सेना ने जो है अपनी चीज़ों को बदला है, बदलना शुरू किया है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने बदला है, वही रीजन रहा कि आज अटैक से पहले तीनों को मार गिराया। ठीक है, क्योंकि जब लगता है कि सेना को भी ये लगता है कि जम्मू में इस तरीके की हरकत के कम चांसेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको मौका मिल जाता है लोगों को कि हाँ, और जम्मू में रहने के लिए सेफ है, कश्मीर में लगातार तलाशी अभियान चलते रहते हैं और जम्मू में इनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो ये सारे रीजन है कि ये धीरे धीरे अपने काफिले को जो है ये जम्मू की तरफ शिफ्ट कर दे। ठीक है, और देखिए ये टेररिज्म जो होता है ये एक नदी की बहती हुई धारा है, इसको अगर आगे से कोई रोकने की कोशिश करता है तो इसके प्रयास होते हैं कि जहां से रास्ता मिले बगल से वहां से निकल के और वापस से उसी डोर पर आया जाए। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए जो है वो बड़े डैम ही बनाने पड़ेंगे, यानी कि इनको बड़े तरीके से पूरे जम्मू और कश्मीर में ऑपरेशंस करके एक बार फिर दोबारा से। हालांकि आपको पता होगा कि न्यूज़ में रहा कि सभी डिफेंस मिनिस्टर ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों को बुलाया, उसके बाद कई बहुत डिफेंस एक्सपर्ट वहाँ पहुंचे, तो ये चीज़ अजीत डोभाल भी वहाँ थे, ये चीज़ बताई तो नहीं जाएगी कि कितने तारीख को हम कोई ऑपरेशन करेंगे इनके खिलाफ, लेकिन हाँ ऐसी तैयारियां हैं कि जिस तरीके से पिछला महीना बीता है, जिस तरीके से टेरर एक्टिविटीज हुई हैं सिविलियन से लेकर सेना के ऊपर, तो अब सेना कोई ना कोई बड़ा कदम इन लोगों के प्रति उठाएगी और हो सकता है कि कश्मीर की तरह ही जम्मू में भी सर्च ऑपरेशन और उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, वहाँ भी इन नंबर्स को इंक्रीज किया जाए। तो ये थी खबर, आखिर कैसे ये टेररिस्ट जो है वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और ये चेंज जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए, हम लोगों के लिए चुनौती। तो मैं बस इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।